नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है पंकज, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। सो आज का टॉपिक जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे पास लग चुका है एक तड़कता भड़कता न्यूज रिगार्डिंग कलर 12। जी हाँ, ओप्पो कलर ओएस 12 बहुत ही जल्द ही अब मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। हालांकि रेनो 6 सीरीज में हमने लास्ट कलर ओएस 11.3 देखा था, बट अब जो है बहुत जल्द हमें कलर ओएस का लेटेस्ट वर्जन 12 देखने को मिल जाएगा, जो बेस करेगा एंड्रॉयड 12 पे। जी हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि हमें अब बहुत जल्द एंड्रॉयड 12 भी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। हालांकि गूगल की तरफ से ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग एंड्रॉयड 12, बट अगर कलर ओएस 12 आती है तो वो बेस करेगी एंड्रॉयड 12 पे, जो बीटा वर्जन के दौरान हमें देखने को मिल जाएगा। और मैं डेट की बात करूँ तो ये कलर ओएस 12 आपको 13 सितंबर 2021, यानी कि चाइना के हिसाब से मैं बोलूँ तो दोपहर तीन बजे तक ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो बहुत जल्द ही ये अब मार्केट में आ जाएगी कलर ओएस 12 वर्जन। इसकी पुष्टि खुद ओप्पो ने ही अपने वीवो के अकाउंट से किया है, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाया है, भेजा है वीवो के ज़रिए, जो स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में ही अभी दिख रही होगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हर एक ओप्पो यूज़र्स एंड कलर ओएस यूज़र्स के लिए। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कलर ओएस का 12 वर्जन आएगा, ये वन प्लस के हाइड्रोजन ओएस का फेवर करके आएगा, मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें अब आने वाले ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। सो आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये न्यूज़ कैसा लग रहा है, क्या आप एक्साइटेड है कलर ओएस 12 के लिए, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। या कुछ और न्यूज़ आपके हाथों में लगी है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।